हेलो गाइस, मैं हूँ आज एसे टेलीकॉम से। आज हम करने वाले हैं रेडमी नोट 7 का को फ्लैश। इसमें कुछ एरर आ रहे हैं फ्लैशिंग के, उसको अपन क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आपको, अगर आप इस फील्ड में नए हो, पहली बार फ्लैश कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत लगेगी टूल की। टूल हम यूज़ करने वाले हैं UMT, और UMT को डाउनलोड करने के प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्टली हमको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम लोग को सर्च करना है UMT QC फायर, देन इंटर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट लिंक आती है उस पर क्लिक करना है। रिपेयर माई मोबाइल की लिंक है, ये वेरीफाइड लिंक होती है, इसमें कोई मॉलवेयर वगैरह नहीं रहते, तो आप इसको ट्रस्टली यूज़ कर सकते हैं। नाउ अपने को जो सबसे लेटेस्ट सेटअप है 9.8 वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसलिए डाउनलोड नहीं करूँगा। आप अगर नए हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर से डाउनलोड करोगे, तो इधर आप इधर जाने के बाद आपका जहाँ पे सेव होगा इसका UMT का सेटअप, आपको फाइल एक्सट्रैक्ट करने नहीं है, जिप फाइल में रहता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इधर एक सेटअप आएगा, ये सेटअप को आपको ओपन कर लेना है सिंपली। यस करने के बाद आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट करना है। एग्रीमेंट को एग्री करके फिर नेक्स्ट कर देना है। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट एंड क्विक लॉन्च शॉर्टकट, थोड़ा टाइम लेगा फाइल एक्सट्रैक्ट होने में, आपको वेट करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, तो मेरे को यहाँ पे क्लोज कर देना है सिंपली। यस, एंड यहाँ पे मिनिमाइज, देन फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये डन है। अब हम लोग को चले जाना है अपने डेस्कटॉप शॉर्टकट पे, जो कि आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे शो होगा डेस्कटॉप पे। मेरा ऑलरेडी शो कर रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल कर चुका हूँ। और आप सिंपली इसको अपन को ओपन करना है। अब अपने को ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन के फ्लैश फाइल की, जो पर्टिकुलर मॉडल अपनों को चाहिए उसकी फ्लैश फाइल की है, जैसे रेडमी नोट 7 फ्लैश फाइल। जस्ट ये लिख के एंटर हिट कर देना। सबसे जो फर्स्ट साइड आएगी रिपेयर माई मोबाइल की, इधर भी रिपेयर माई मोबाइल की आ रही है, ये साइड आप यूज़ कर सकते हो, ट्रस्टेड साइज है। इसमें कोई रैम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथ रैम रहती है, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं डबल से डाउनलोड नहीं करूँगा इसका। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको डाउनलोडिंग पेज पे ले जाएगी। इधर सिंगल क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा, कोई एड्स नहीं, कोई मालवेयर नहीं। अब मिनिमाइज़ करना है। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेना है। फाइल कहाँ पे सेव करी है अपन ने, वहाँ पे अपने को वो फोल्डर पे जाना है। जैसे अपन देखते हैं फोल्डर है अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर पे फ्लैश फाइल, रेडमी नोट 7, इमेजेस, रो प्रोग्राम फाइल। ये जो फाइल रहती है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल रहती है, आपको इमेजेस के फोल्डर में मिल जाएगी। इसमें सारा ओनली दिस फाइल को सिलेक्ट करके आप सारा फ़ोन का ले सकते हैं फाइल का एक्सेस। ये रॉ प्रोग्राम फाइल होती है, इसको जैसे ही अपन ओपन करेंगे ये आपकी सारी जो फाइल है उन्हें रीड कर लिए। अब हमको फ़ोन को कनेक्ट करना है अपडेट इन्फो। तो ये सब है ना, ये जितने भी आपके ऑप्शन रहते हैं ये आपके प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन डाटा, ये आपका EMI को प्रोटेक्ट करता, IMEI को प्रोटेक्ट करता है, IMEI को इरेज होने से बचाता है और आपको एरर फ्री काम होता है। ये रिबूट वेंट फिनिश्ड, ये जैसे आप फ्लैश कंप्लीट कर लोगे वैसे आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। ये और अब है पेज MI अकाउंट पे जब टिक करना है, जब आपके फ़ोन में MI अकाउंट भी लगा हो। मेरे फ़ोन में MI अकाउंट नहीं है, तो मैं इस पर नहीं टिक करूँगा। अगर आपके इसमें MI अकाउंट लॉक्ड है, तो
तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ अब जो ऑप्शन है रीसेट एफआरपी आफ्टर फ्लैश, ये ऑप्शन आता है अगर आपके फ़ोन में एफआरपी हो तो, एफआरपी है तो अगर तो आप ये ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। एंड रीड इन्फॉर्मेशन व्हेन फ्लैशिंग, तो अगर जब आप फ्लैशिंग कर रहे हो तो आप अगर चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन रीड करें तो आप इस पर टिक कर सकते हो। नाउ वी हैव टू कनेक्ट फोन टू पीसी इन आइडियल मोड। तो हम फर्स्टली है ना, हम यूएसबी इंसर्ट करेंगे। यूएसबी इंसर्ट करने पीसी में यूएसबी इंसर्ट करने के बाद ये जो फ़ोन है इसके आइडियल पॉइंट ये है, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं जूम करके बता देता हूँ। ये जो दो आइडियल पॉइंट है ये इसके आइडियल पॉइंट है। आपको आइडियल शॉट और केबल इंसर्ट साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, वरना आपको पोर्ट नहीं बनेगा। और मेक श्योर कर ले कि जब आप आइडियल शॉट करें तो हमारा बैटरी कनेक्टर निकला होना चाहिए, जैसे कि मेरा बैटरी कनेक्टर निकला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमारी प्रोसेस डन हो चुकी है, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, स्किपिंग ऑफ। अब हमारी फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है, अभी वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फोन ऑन हो चुका है, सेकंड लोगो भी आ चुका है। पहले हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा था, बूट लूप पर था, अब हमारा फोन ऑन हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं सेम फोन है।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली फ़ोन ऑन हो चुका है, MIUI लोगो आ चुका है 12.5, क्लियरली देख सकते हैं हमारी फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो गई है, हमारा डिवाइस भी ऑन हो चुका है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी इस तरह का काम लाइटनिंग स्पीड में करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें इंडिया का नंबर 1 मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। थैंक यू।